जय मसीह की। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है होशे की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अपने लिए धार्मिकता बो और करुणा की कटनी काटो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि समय आ गया है कि तुम यहोवा के खोजी बनो, जिससे वो आकर तुम पर धार्मिकता की वर्षा करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस पवित्र सामर्थी वचन के लिए। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये धार्मिकता क्या है और धार्मिकता हमें कैसे मिली है? अगर हम क्रूस को देखते हैं मेरे भाई, तो क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से हमारे पापों को अपने क्रूस पर लिया और अपनी पवित्र धार्मिकता हमें दी। और वो धार्मिकता जिसमें उसकी आत्मा है, जिसमें उसकी पवित्रता है, जिसमें उसके वचन है, जिसमें उसका सामर्थ है, जिसमें उसकी सत्यता है, और वो धार्मिकता परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें दी है, मुफ्त में दी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियन 3:9 में परमेश्वर ने कहा है कि हम उसके खेत हैं। जब हम उस खेत में, जब हम अपने अंदर उस धार्मिकता को बोएंगे, तो वचन कहता है कि करुणा की कटनी काटेंगे। वो महान पिता परमेश्वर, वो महान सर्वशक्तिमान जो करुणामयी है, जिसने हमारे पापों को भुला दिया है, जिसने हमारे सारे अपराधों को माफ करके ढांप दिया है, उसकी करुणा की कटनी हम काटेंगे। लेकिन उससे पहले वचन कहता है कि हमें अपनी पड़ती भूमि को जोतना है, हमें अपनी पड़ती भूमि को जोतना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। भाइयों, इसीलिए पौलुस हमें एक प्रार्थना सिखाता है कि प्रार्थना करो कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, तुम पवित्र लोगों के बीच में जान सको कि उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई कितनी है, ताकि तुम मसीह के उस प्यार को जान सको जो समझ से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता से भर जाओ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यशाया 64:4 कहता है कि प्राचीन काल से अब तक हमने ऐसा परमेश्वर नहीं देखा, ना हमने देखा है, ना हमने सुना है कि वो परमेश्वर उनकी मदद करता है, उनकी ओर देखता है जो उसकी बाट जोते हैं, उनका हाथ पकड़कर लेकर चलता है। इस अंतिम समय में परमेश्वर कहता है होशे नबी के द्वारा कि मेरी खोज करो, मेरी बाट जो, ताकि मैं धार्मिकता की वर्षा तुम पर करूँ, पवित्र आत्मा की वर्षा तुम पर करूँ। दोस्तों, उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है, उसकी अगुवाई में हमें अपने जीवन को बिताना है। उसकी अगुवाई से हमें चलते हुए, उसकी आवाज़ को सुनते हुए, उसके वचनों पर चलते हुए अपने अपने जीवन को बिताना है और उसकी आग इस धरती पर लानी है, उसकी ज्योति बनकर अंधकार को दूर करना है। यही परमेश्वर चाहता है। उसने अपने सामर्थ को हमें दिया है, उसने अपनी धार्मिकता को हमें दिया है, उसने अपनी ताकत को हमें दिया है, उसके अपने नाम को हमें दिया है, और वो नाम यीशु मसीह का नाम, पवित्र सामर्थ्य नाम हमारे अंदर है। तो आज की सुबह, आज इस रविवार की सुबह अद्भुत है प्यारों। वो आत्माएं जो हमारे कलीसियों में आने वाली हैं, वो आत्माएं जो हमसे मिलने वाली हैं, हम अपने धार्मिकता के फल उन तक पहुंचाएं, हम अपने पवित्र आत्मा के फल उन तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम बोएंगे धार्मिकता को, तो पवित्र आत्मा के फल हमारी खेती में से निकलेंगे, हमारी ज़मीन में से निकलेंगे, और वो फल हमें शक्ति प्रदान करेंगे। और उन फलों के बीजों को जब हम उन आत्माओं के अंदर बोएंगे, तो उनके अंदर भी धार्मिकता फलेगी, उनके अंदर भी धार्मिकता सजेगी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुफ्त में हमें अपनी धार्मिकता दी, हमें अपनी आत्मा दी, हमें अपना सामर्थ्य दिया, हमें अपनी शक्ति दी, हमें वो ज्ञान दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज का दिन पवित्र है परमेश्वर। आत्माओं को परमेश्वर हम तेरा संदेश पहुंचा सकें, ऐसी हम पर कृपा कर, ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे, हमारी जबान में तेरी ताकत हो, पवित्र आत्मा तेरे अधिकार और तेरी अगुवाई के साथ हम चलें। पवित्र आत्मा, हम परमेश्वर तेरी ज्योति बनकर उनके सामने प्रकट हों परमेश्वर। हमारे रहने, हमारे खाने, हमारे बैठने, हमारे उठने, हमारे बोलने से तेरी उपस्थिति हम में प्रकट हो परमेश्वर। तू हम में दिखे, हम सबके सामने यीशु बनकर चले। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से आप सबके लिए आशीष और सुख और चंगाई मांगता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। आमीन।